Hello students, welcome back on my channel and this is your host Manjeet Singh and today we are going to discuss the reading from Cambridge Book 8, Test 4, Passage 2 and the name of the passage is Biological Control of Pests. Let's start with the reading. Okay, let's start with the first question of this para and that is 14th one. The use of pesticides has contributed to, jo use hai pesticides ka, kis cheez mein contribute kar raha hai, contributed to an imbalance in many ecologies around the world. Imbalance create कर रहा है किस चीज में, काफी सारी ecologies जो around the world है, ठीक है, सारी world में, दुनिया में. Okay, अगर हम इसे first line से ही पढ़े, the continuous and reckless use of synthetic chemicals जो हम लगातार continuous लगातार use करते जा रहे हैं, recklessly बहुत ही बुरी तरह से use करते जा रहे हैं synthetic chemicals को किस चीज के कंट्रोल के लिए, पेस्ट के कंट्रोल के लिए, विच पोज अ थ्रेट टू द एग्रीकल्चर क्रॉप, जो थ्रेट क्रिएट कर रहा है किस लिए, एग्रीकल्चर क्रॉप के ऊपर एंड ह्यूमन हेल्थ दोनों के ऊपर, इज प्रूविंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव, ठीक है, अच्छे से यूज हुआ वो. अपार्ट फ्रॉम एंडेंजरिंग वाइड स्प्रेड इकोलॉजिकल डिसऑर्डर, हमने उसके साथ साथ क्या किया है, इकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी क्रिएट किया, ठीक है. पेस्टिसाइड्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू ब्रीड ऑफ केमिकल रेसिस्टेंट एंड हाईली लीथल सुपरबग्स. अब पेस्टिसाइड्स ने क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है किस चीज में, इमर्जेंस जो उभर के निकल के आए हैं, कौन से, नई ब्रीड जो केमिकल रेसिस्टेंट और हाईली लीथल सुपर बग्स हैं जिन पे उनका कोई असर ही नहीं होता. ओके, सो आंसर क्या है, 14th, जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है इकोलॉजिस्ट में दुनिया में. ओके, किसकी वजह से हुआ है, पेस्टिसाइड्स की वजह से हुआ है. 15th वन, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन has counted more than 300 agriculture pests, which उन्होंने 300 agriculture pests, ठीक है, account किए हैं, जिनके ऊपर are no longer responding to most pesticides in use, जो अब respond नहीं कर रहे हैं किसको, pesticides को, जो आज हम use कर रहे हैं, और ये pesticides जो हैं, ठीक है, किसी काम के नहीं हैं इनके खिलाफ, तो वो अब इनको कोई असर ही नहीं हो रहा, उन pests को, pesticides का कोई असर नहीं हो रहा, और ये जो है given है आपका सेकंड पैरा में, सेकंड पैरा की फर्स्ट लाइन में जहाँ पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, क्या है, मोर देन 300 स्पीशीज ऑफ एग्रीकल्चर पेस्ट, जो 300 स्पीशीज एग्रीकल्चर पेस्ट हैव डेवलप्ड रेसिस्टेंस टू अ वाइड रेंज ऑफ पोटेंट केमिकल्स, वो पोटेंट केमिकल्स के खिलाफ उन्होंने क्या किया, अपनी रेसिस्टेंस हासिल कर ली है, पोटेंट केमिकल्स, खतरनाक केमिकल्स के खिलाफ. तो आंसर क्या है, ए, वो अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं. 16th, cotton farmers in Central America began to use pesticides. जो cotton farmers हैं अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में, उन्होंने यूज किया pesticides किस लिए, तो ताकि वो इंश्योर कर सके cotton was harvested from each crop, ठीक है, इंश्योर कर रहे हैं मोर कॉटन, जो अच्छी कॉटन हो सके उन्हें हर एक क्रॉप में से. और ये जो आपका गिवन है, ये फोर्थ पैरा में गिवन है, फोर्थ पैरा की अगर हम फर्स्ट लाइन से पढ़े तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे लिखा था havoc, that the treadmill syndrome, एक क्रिएट किया गया है, एक ना हवा क्रिएट किया गया है, जो ट्रेंडबिट सिंड्रोम है, ठीक है, कैन ब्रिंग आउट इन वेल इलस्ट्रेटेड बाय व्हाट हैपन टू कॉटन फार्मर्स इन सेंट्रल अमेरिका. ये क्रिएट कर सकता है, बता सकता है कि कैसे, क्या क्रिएट हुआ था उस समय, क्या हुआ था कॉटन फार्मर्स के लिए सेंट्रल अमेरिका में. इन द अर्ली 1940s, बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ केमिकल बेस्ड इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जो केमिकल बेस्ड इंटेंसिव एग्रीकल्चर उन्होंने शुरू किया, द फार्मर्स एविडली टुक टू पेस्टिसाइड्स. सो पेस्टिसाइड्स उन्होंने एक इंश्योर, उन्होंने श्योरिटी मानी कि अगर हम पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो ऐसा बच जाएंगे. देखो, तो उन्होंने क्या किया, एज अ श्योर मेजर टू बूस्ट क्रॉप यील्ड, उन्होंने पेस्टिसाइड्स को उठाया किस चीज के लिए, श्योर मेजर ताकि क्रॉप यील्ड उनकी हो सके, ठीक है. क्रॉप कौन सी थी, कॉटन थी, वो जो हमने यहाँ पे लिखा कॉटन फार्मर्स के बारे में पढ़ा, सॉरी. ओके, 17th वन, बाय द मिड 1960s, कॉटन फार्मर्स इन सेंट्रल अमेरिका फाउंड दैट, क्या उन्हें मिला, पेस्टिसाइड्स वर कॉस्टिंग 50% ऑफ द टोटल अमाउंट दे स्पेंड ऑन द क्रॉप्स, जो हमारा है मतलब जो भी कॉस्ट कर रहा है हमें सेंट्रल अमेरिका में, जो पेस्टिसाइड कितना कॉस्ट कर रहा है, ऑलमोस्ट 50% जो वो सारा यूज कर रहे हैं अपनी क्रॉप्स पर. ओके, सो ये जो है आपका गिवन है फर्स्ट पेज, थर्ड लास्ट पैरा, फर्स्ट लाइन जहाँ पे लिखा है, बाय द मिड 1960s द सिचुएशन टुक एन अलार्मिंग टर्न लिया, और विद द आउटब्रेक ऑफ फोर मोर न्यू पेस्ट, यहाँ पे चार नए पेस्ट आए, नेसेसिटेटिंग पेस्टिसाइड स्प्रेइंग टू सच एन एक्सटेंट, इतने बुरी तरह से उस पर स्प्रे की गई
ताकि मतलब क्या हुआ कि 50% ऑफ द फाइनेंशियल आउटले, जो 50% फाइनेंशियल आउटले है कॉटन की, कॉटन प्रोडक्शन की, वो क्या थी, वॉज अकाउंटेड बाय फॉर बाय पेस्टिसाइड्स। वो अकेली पेस्टिसाइड्स थी, जो जो खर्चा हुआ उसका 50% सिर्फ किस चीज़ के ऊपर था, वो था फाइनेंशियल आउटले जो हुआ वो हुआ पेस्टिसाइड्स की वजह से, ठीक है, पेस्टिसाइड्स से उसके रीजंस। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, एंड दीज आर फ्रॉम 18 to 21, एंड यस नो नॉट गिवन है। ओके सो 18 क्वेश्चन है, डिसीज स्प्रेडिंग पेस्ट रिस्पॉन्ड मोर क्विकली टू पेस्टिसाइड्स। कह रहे हैं कि जो डिसीज स्प्रेडिंग पेस्ट हैं वो ज़्यादा क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं किस चीज़ को, पेस्टिसाइड्स को, किन से अगर कंपेयर करें एग्रीकल्चर पेस्ट से। सो ये कंपेरिजन कहीं नहीं हुआ हुआ कि डिसीज स्प्रेडिंग पेस्ट हैं जो वो एग्रीकल्चर पेस्ट से ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स को, ठीक है, पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा असर हो रहा है उन पर डिसीज स्प्रेडिंग पेस्ट पे, ऐसा कहीं गिवन नहीं है। तो आंसर क्या है, नॉट गिवन। और इसके बारे में अगर कुछ थोड़ी बहुत बात हुई भी है तो ये सेकंड पैरा में हुई है यहाँ पे। ओके ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, द 19th वन, अ नंबर ऑफ पेस्ट्स आर नाउ बॉर्न विद एन इनेट इम्यूनिटी टू सम पेस्टिसाइड्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो बहुत सारे पेस्ट हैं अब वो क्या हो रहे हैं, वो पैदा हो रहे हैं इन बिल्ट क्वालिटी से, इम्यूनिटी उनके अंदर जो इनेट होता है वो इन बिल्ट कह रहते हैं, हम इनहेरिट कह रहते हैं कि जो उन्हें बचपन से ही मतलब जन्म से ही मिली हो इनेट इम्यूनिटी टू सम पेस्टिसाइड्स। तो उनके पेस्टिसाइड्स पे उनका कोई असर ही नहीं है पेस्टिसाइड्स का उन पर, तो ऐसा वो लेके पैदा होते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, 19th वन आपका थर्ड पैरा में है, थर्ड पैरा की अगर आप थर्ड लाइन से पढ़े जहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ देयर ट्रमेंडेंस ब्रीडिंग पोटेंशियल, जो उनका बहुत ही ज़्यादा ब्रीडिंग पोटेंशियल है एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी है, मैनी पेस्ट आर नाउ नोन टू विथ स्टैंड। अब बहुत सारे पेस्ट से क्या है वो क्या है, वो टिक पा रहे हैं किनके अगेंस्ट, सिंथेटिक केमिकल्स के अगेंस्ट, एंड क्या कर रहे हैं, ऑफस्प्रिंग बियर कर रहे हैं, ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहे हैं विद अ बिल्ट इन रेसिस्टेंस टू पेस्टिसाइड्स। उनके ऊपर बिल्ट इन रेसिस्टेंस है, इन बिल्ट रेसिस्टेंस है जो हमें कहते हैं, ठीक है, तो इनेट क्वालिटी है। तो ये आपका आंसर है जो 19th है, इसका आंसर है यस। ओके 20th, बायोलॉजिकल कंट्रोल एंटेल्स, एंटेल्स क्या होता है, ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके बायोलॉजिकल कंट्रोल एंटेल्स यूजिंग सिंथेटिक केमिकल्स, तो वो क्या बताता है कि सिंथेटिक केमिकल्स को यूज़ करना, ट्राई करना और चेंज द जेनेटिक मेकअप, उनके जेनेटिक मेकअप को चेंज करना, ठीक है, अप ऑफ द पेस्ट ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग जो पेस्ट का उसका ऑफस्प्रिंग को, ठीक है, उसके जेनेटिक मेकअप को ही चेंज कर देना। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो फर्स्ट पेज के लास्ट पैरा में है, फर्स्ट लाइन से अगर आप पढ़ें जहाँ पे लिखा हुआ, इन द फेस ऑफ एस्केलेटिंग पेरिल्स, जो लगातार डेंजर्स क्रिएट होते जा रहे हैं फ्रॉम इंडिस्क्रिमिनेट एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, जो हम पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं उनके बहुत सारे नुकसान भी ऑब्वियसली, तो उनके बारे में बताया, अ मोर डिफेक्टिव सॉरी अ मोर इफेक्टिव एंड इकोलॉजिकली साउंड स्ट्रेटेजी क्या है, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल है, ठीक है, उसमें क्या इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व द सेलेक्टिव यूज ऑफ नेचुरल एनिमीज। तो सेलेक्टिव यूज कर रहे हैं नेचुरल एनिमीज का ऑफ द पेस्ट पॉपुलेशन, जो पेस्ट की पॉपुलेशन की जो नेचुरल एनिमीज हैं, इज फास्ट गेनिंग पॉपुलैरिटी एंड दो एज येट इट इज अ न्यू फील्ड विद लिमिटेड पोटेंशियल। वो एक नया फील्ड है, उसके जो पोटेंशियल है वो लिमिटेड है, ऑब्वियसली वो ये नहीं है कि हर जगह काम आ जाएंगे, बट वो बेसिकली आ रहे हैं, उन्हें काम में लेके आ रहे हैं। जैसे हम देखो नेचुरल एनिमी क्या होते हैं, जैसे आप नेचुरल एनिमी लगा सकते हो, जैसे सांप का नेचुरल एनिमी कौन सा है, नेवला है, ठीक है, वो सांप को मार देता है जहाँ भी देखता है, तो वो नेचुरल एनिमीज होते हैं, ऐसे ही उनके लिए पेस्ट के खिलाफ यूज़ कर रहे हैं उन्हें नेचुरल एनिमीज को, ठीक है, तो वो लेके आ रहे हैं। वो उन्होंने नेक्स्ट पेज पे वो जो डिस्क्रिप्शन दी है सारी इसमें, ठीक है, वो सारी यही दी हुई है, ठीक है, उनके बारे में बताया हुआ है नेचुरल एनिमीज के बारे में ही। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 21। ओके बायोलॉजिकल कंट्रोल इज फ्री फ्रॉम डेंजर अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। तो ये आंसर क्या है इसका, यस है। और ये आपका जो गिवन है ये फर्स्ट पेज पे लास्ट पैरा में गिवन है, जहाँ पे लिखा है लास्ट थ्री लाइन्स पे, यहाँ पे लिखा था एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल इज इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर मेथड्स, जो उनके उल्टा है, इज दैट इट प्रोवाइड्स अ रिलेटिवली लो कॉस्ट, कॉस्ट लो है, परपेचुअल कंट्रोल सिस्टम है, मतलब बहुत देर तक चलेगा ऑब्वियसली, विद अ मिनिमम ऑफ डेट्रीमेंटल साइड इफेक्ट्स, उसके बहुत ही कम डेट्रीमेंटल साइड इफेक्ट्स हैं, एंड वेन हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स, अगर उसे एक्सपर्ट्स हैंडल करेंगे, बायो कंट्रोल इज सेफ, वो बहुत ही सेफ है, नॉन पोल्यूटिंग है एंड सेल्फ डिस्पर्सिंग है। देखिए एक तो सेफ है, दूसरा पोल्यूशन नहीं है, और दूसरा तीसरा क्या है, वो खुद ही डिस्पर्स हो जाते हैं, वो खुद ही बिखर जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें ऐसा नहीं है कि स्प्रे करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें क्या है, इसमें हम इंफॉर्मेशन मैच कर रहे हैं, ठीक है. सो 22 का जो क्वेश्चन है उसमें क्या है लिखा है, डिसअपीमिन, ठीक है. डिसअपीन स्केल इंसेक्ट्स फीड ऑन किस चीज़ पे, मतलब फीड करते हैं वो, फ्रूट ट्रीज पे. ओके, तो ये जो आपका आंसर है ये सेकंड पेज पे गिवन है, और सेकंड पेज पे अगर आप पढ़ोगे थर्ड पैरा में, सॉरी सेकंड पैरा में, सेकंड पैरा की लास्ट टू लाइंस पढ़िए. यहाँ पे लिखा है द सी आई बी सी इज ऑल्सो परफेक्टिंग द टेक्निक्स फॉर ब्रीडिंग पैरासाइट्स. परफेक्ट क्या कर रहे हैं टेक्निक्स को ब्रीडिंग पैरासाइट्स के लिए, दैट प्रे ऑन डिसिप्लिन स्केल, जो किस पे मतलब प्रे करते हैं डिसिप्लिन स्केल इंसेक्ट्स पे, जो नोटोरियस डिफॉलियंट्स हैं किस चीज़ के, फ्रूट ट्रीज के. किस, कहाँ पे, यूएस और इंडिया में. तो ये क्या है, ये फ्रूट ट्रीज को खराब करते हैं, ठीक है, उन पे प्रे करते हैं, उनका शिकार करते हैं. ओके, नेक्स्ट 23, न्यूडोमेटिया सांगवानी 8, क्या वो खाते हैं, ये जो है ये खाते हैं ग्रास स्केल इंसेक्ट्स, ठीक है, इनको खाते हैं. तो ये भी आपका गिवन है, अगर आप देखें लास्ट पैरा में, लास्ट पैरा की फोर्थ लाइन में पढ़े, जहाँ पे लिखा है न्यूडोमेटिया सांगवानी वॉज फाउंड यूजफुल इन कंट्रोलिंग द रोड्स ग्रास स्केल इंसेक्ट, ठीक है, उनका नाम क्या है, किनको कंट्रोल करते हैं, रोड्स ग्रास स्केल इंसेक्ट्स दैट वॉज डिवोरिंग फॉरेज ग्रास इन मैनी पार्ट्स ऑफ द यूएस. तो यूएस में वो क्या कर रहे हैं, वो लगातार ग्रास को खत्म करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट ग्रास को लगातार, तो उनके ऊपर, उन इंसेक्ट्स को, ठीक है, फीड करता हूँ, सॉरी उन इंसेक्ट्स को खाता है, उन पर फीड करता है. ओके, नेक्स्ट 24, लीफ फाइनिंग हिस्पाइट्स ब्लाइटेड. तो लीफ फाइनिंग हिस्पाइट्स है वो किस, क्या खराब करता है वो, सी कोकोनट ट्रीज. ओके, उन्होंने किस चीज़ को ब्लाइट किया है, कोकोनट ट्रीज को. और ये जो आपका गिवन है ये है लास्ट पैरा सेकंड लाइन, जहाँ पे लिखा है इन द लेट 1960s व्हेन श्रीलंका फ्लरिशिंग कोकोनट ग्रोव्स वर प्लेग्ड, वहाँ पे प्लेग हो गया था लीफ माइनिंग हिस्पाइट से किया था, तो लार्वल पैरासाइट जो था इम्पोर्टेड सिंगापुर से लेके आए, ब्रॉट द पेस्ट अंडर कंट्रोल, उस पेस्ट को उन्होंने कंट्रोल में लेके आए, ठीक है, वो क्या था, वो नेचुरल एनिमी लेके आए उनका. ओके, 25th वन, एन अर्जेंटीनियन वीविल मे बी सक्सेसफुल इन वाइपिंग आउट. अर्जेंटीनियन वीविल क्या है, ठीक है, वो ये भी सक्सेसफुल हो सकता है किस चीज़ को वाइप आउट करने में, ई वाटर हियासेंथ को. ओके, ये जो आपका गिवन है 25, ये सेकंड पेज थर्ड लाइन, जहाँ पे लिखा है सिमिलरली द हैदराबाद बेस्ड रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी सपोर्टेड बाय CIBC इज नाउ ट्राइंग आउट एन अर्जेंटीनियन विविल फॉर द इरेडिकेशन ऑफ वाटर हियासेंथ. ओके, सो ये क्या है, जो हैदराबाद बेस्ड रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी है उसने क्या किया, सपोर्ट किया CIBC को, और क्या किया, ट्राई आउट किया अर्जेंटीनियन विविल को किस चीज़ के खिलाफ, ताकि वो इरेडिकेट कर सके वाटर हियासेंथ को, वहां से निकाल सकें, खत्म कर सकें. ओके, 26, सेल्विनिया मोलेस्टा प्लेग्स, किस चीज़ को प्लेग कर रहा था, राइस फील्ड्स को खराब कर रहा था, ठीक है. सो प्लेग्स इसमें क्या है, ये अगर आप लास्ट पैरा की लास्ट फोर लाइंस पढ़ोगे तो आप यहाँ पे लिखा होगा बाई यूजिंग डैश ब्रूची अ बीटल नेटिव टू ब्राजील साइंटिस्ट एट केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी फ्रीड अ 12 किलोमीटर लॉन्ग केनाल फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द वीड सेल्विनिया मोलिस्टा पॉपुलरली कॉल्ड अफ्रीकन पायल कहते हैं जिसे हम केरला में, एंड अबाउट 30,000 हेक्टेयर ऑफ राइस फील्ड इन केरला आर इन्फेस्टेड बाई दिस वीड. उस वीड ने उसे खराब किया था. ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. 26 का जो आंसर था वो बी था, और आई होप कि आपको ये समझ में आया. अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ अगर आपको कुछ लगा कि इसमें कोई कमी है, और अगर आप कोई और चाहते हैं कि मैं रीडिंग करूँ, तो प्लीज़ इसमें कमेंट कीजिएगा, मुझे सजेस्ट कीजिएगा. थैंक यू.